असम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है धर्म गुरु और संत जो आज इस पावन बेला पर यहाँ आए और अपने उपासकों को एक आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। हम उनसे इंट्रोडक्शन खुद ले लेते हैं। गुरु जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं। यक्त गुरु सतगुरु विदास जी महाराज जी का 641वां जयंती पर जी एवं रविदास धर्म का नवा स्थापना दिवस विश्व भर में 31 जनवरी को मनाया जा रहा है। हम सब उनके शिष्य, हमारी यही पहचान है। हम सभी रविदास हैं, पहले तो हमारी यही पहचान है। यक्त गुरु सतगुरु विदास जी महाराज जी विश्व में ऐसे रहबर हुए जिन्होंने भारत के कोने कोने में और विश्व के कोने कोने में जाकर सब जीवों को संतों की शरण में जाने का, शिक्षित होने का, मानवता के साथ प्रेम करने का, विश्व भाईचारे का और पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का संकल्प दिया और उच्चारण किया रविदास मुखकर बसन का सुख कर है जो था एक सुख है समाज में विश्व मर्ग का कि विश्व में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सब जीव पराधीनता गुलामी से मुक्त होकर मानवीय अधिकारों का आनंद अनुभव कर सके। तो जब सतगुरु दास जी महाराज 152 साल इस संसार में रहे जिनके क्रांतिकारी कल्याणकारी समाजवादी और अध्यात्मक उपदेशों को सुनकर अनगिनत राजे महाराजा सभी वर्गों के लोग रुके जी और जिनको समर्पित बार के अलग अलग प्रांतों में अनेक आंदोलन चलाए गए रविदास कौम की तरफ से और अमर सिंह संत रामानंद जी की शहादत के उपरंत विश्व भर में रविदास कौम में चेतनता आई। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु स्वामी सरपंद दास जी महाराज ने पहले ही अपनी दृष्टि से जगत गुरु रविदास महाराज के जन्म स्थान की खोज कर श्री गुरुदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर विश्व पर विश्व स्तर पर महान तीर्थ स्थान दिया और 3 जनवरी 2010 को रविदास धर्म का ऐलान हुआ। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश हुए, रविदास धर्म के नियम प्राप्त हुए। आज मुझे भारत के अलग अलग प्रांतों में और विश्व के अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है तो लाखों की तादाद में अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी पावन ग्रंथ के प्रकाश हो चुके हैं। अनेकों भाषाओं में अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज का तर्जमा हो चुका है और देशों विदेशों में विद्वान रविदास धर्म पर पीएचडी कर रहे हैं। आज इस स्थान पर संत महाराज रविदास जी के उपराले से महान कार्य किया गया जगत गुरु रविदास जी महाराज के 641वें जयंती गुरु पर और रविदास धर्म के नवे स्थापना पर स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत महाराज सुखदेव बागमारे जी, संत पाल दास जी महाराज जो भारत वर्ष में रविदास धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो संगत को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। तो मैं जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 641वें जयंती गुरु पर रविदास धर्म के नवे स्थापना दिवस पर सब संगत को लाभ का बधाई देता हूँ और हम सबको जगत गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को पर चलते हुए अपने बच्चों को विद्या ग्रहण चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, नशों का त्याग करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सत्कार, छोटों का प्यार करना चाहिए और संत महापुरुषों की शरण करनी चाहिए, शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो जगत गुरु रविदास महाराज ने हमें उपदेश दिया बेगमपुरा वतन का संकल्प दिया उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाकर प्रैक्टिकल रूप दिया। हमें जो उसके तहत हक हकूक मिले हैं उस पर हमें संविधानिक हकूक पर पैरा देना चाहिए। मुझे ही मेरा सबको संदेश है। जय कर सर, अभी संत गुरु जी ने बताया है कि हमारा एक यही है कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अधिकतर एजुकेशन देनी चाहिए और एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी तो ही रविदास समाज अपनी तरक्की करेगा। तो आपका क्या कहना है सर? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है कि शिक्षित बनो जी, सदविद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास के बिन विद्या के नहीं जाना जाए कि अनपढ़ता के कारण कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है माधव अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन, अनपढ़ता के कारण किसी का कल्याण नहीं है। इसलिए शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ संगठन जरूरी है। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमखीरा इकट्ठा होने के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने कहा। तीसरी बार जब हम इकट्ठा हो जाते हैं, हमारा संगठन शिक्षित होता है तो हम फिर अपने हकों के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए और हमें अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। रविदास महाराज जी फरमाते हैं रविदास संघर्ष कीजिए दीनन कर हेर अंग अंग कटी भूख रहे तो ना छाटे के। इसी विचारधारा को बाबा साहब ने अपने जीवन में उतार करके हमें आगे संदेश दिया शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान के अंदर जो उतारा है ये जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जितनी मानव विरोधी मानसिकता इस दुनिया में व्याप्त है जैसे जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था छुआछात
नशाखोरी, अनपढ़ता आदि, इस सब का गुरु रविदास महाराज जी ने विरोध किया है और बाबा साहब ने भी इसका विरोध किया है। और गुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा दी है मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरण, हरिभजन आदि का जो पावन संदेश दिया है, बाबा साहब ने भी वही संदेश दिया है। बाबा साहब ने गुरुदास महाराज जी की शिक्षाओं को जिया है, उनको अपने आचरण में उतारा है और भारतीय संविधान के अंदर गुरुदास महाराज जी की विचारधाराओं के अंदर ही उन्होंने इसको निर्माण करने का काम किया है और भारतीय संविधान बना के गुरुदास महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो हम सब लोगों का जो आज हमारे भाई लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो नशे आदि से दूर रहें, शिक्षित बने, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बुरी संगतों से बचें, किसी के बहकावे में ना आवें और अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा पर ठोक कर पैरा दें और जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है उसको भी हम अच्छी तरीके से समझें, कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना करें, हम अपने सही तरीके से अपने जीवन का निर्माण खुद कर सकते हैं। संत जी, आप देश विदेश के अंदर भी घूमते हैं और देश विदेश के अंदर आप अपने उपासकों को ये रविदास जी ने जो कहा था और रविदास जी ने जो उपदेश दिए जो उसका संचालन करते हैं, सर देश विदेश की अपेक्षा भारत के अंदर हमारे लोगों के अंदर ऐसी जागृति क्यों नहीं है? दरअसल हमारे लोग जागृति इसको, ये एक ऐसी मानसिकता फैलाई हुई है धर्म के नाम पर, ये सब कुछ मतलब हिंदू धर्म के नाम पर डाल रखा है, हिंदू धर्म के नाम पर नहीं हम कह सकते, और जितनी कोई भी धर्म हो, मतलब कि एक ऐसी मानसिकता फैला दी, अंधविश्वास, कर्मकांड, आडम्बर, ये जितने भी भूतवासा फैला है, गुरु रविदास महाराज जी ने इससे हट करके एक वैज्ञानिक विचारधारा दी है, वैज्ञानिक विचारधारा दी है। जितने भी जीवन में अंधविश्वास, कर्मकांड, ये रोचक भयानक कहानियाँ सुना करके, डरावनी लुभानी कर करके अपना पूजा पाठ करके अपना जीवन जीविका चला रहे, गुरु रविदास महाराज ने उसका सबका मैदान साफ कर दिया और जीवन सूत्री व्यवस्था दी है उन्होंने जीवन में, कि आस्था, भक्ति, पूजा, धर्म क्या है उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। कि जैसे लोग पानी में नहाने से अपने आप को पवित्र मानते हैं, गुरु रविदास महाराज जी इस चीज़ का खंडन करते हैं कि भी पानी में अगर हम जा करके कहीं डुबकी लगाएंगे उसमें कितने जीव जंतु हैं, सबका क्रियाक्रम उसी के अंदर होता है, उससे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हम परमात्मा की पूजा किसी फूल से करते हैं, फूल भी तो गंदा ही है, अगर दूध से करते हैं तो दूध भी तो बछड़े का झूठा ही है। तो महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने ऐसी विचारधारा दी है कि अगर आप साफ किया हुआ मन प्रभु चरणों में चढ़ा दें, यानी कि समर्पित हो जाए, तो जीवन का कल्याण हो जाए। वो क्या, गुरुदास महाराज जी, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज सब। तो पवित्र किया हुआ जो मन है, अगर वो हमारा प्रभु चरणों में चढ़ जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। बाकी कोई भी आडंबर हम कर रहे हैं उससे हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सर, आपकी समाज से क्या अपील है? जो रविदास जी को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, उनसे आपकी क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, वो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। और यही हम कहते हैं कि जब गुरु रविदास महाराज जी हमारे महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब जी हमारे महापुरुष हुए और उन्होंने संपूर्ण मानव मात्र कल्याण के लिए बात की है, संविधान के अंदर संपूर्ण मानव मात्र कल्याण के लिए बात की है, गुरु रविदास महाराज जी ने भी अपने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, उन छोट बड़े सब संभव से रविदास रहे पर्सन, किसी एक विशेष जाति या किसी विशेष राज्य या देश के लिए नहीं, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कही है। तो जो हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा है कि भी सब सुखी रहें, सब सुखी जिए और हमको भी बराबर का अधिकार है अपने धर्म पे चलने का, और हम अपने नौजवानों से जो आजकल हम उनको यही संदेश देते हैं, गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन का कल्याण करें, प्रैक्टिकल में, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी एक वैज्ञानिक विचारधारा है और गुरु रविदास महाराज की जो विचारधारा है वही रविदास या धर्म है। आज भारतीय इतिहास के मध्ययुग में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव होता है, उससे पहले कभी किसी ने ऐसी विचारधारा नहीं दी जिससे मानवता का कल्याण हो सके। आज इन बातों को रखते हुए तो आज पूरे विश्व में गुरु रविदास महाराज जी PhD कर रहे हैं, जी PhD कर रहे हैं, कि आखिर ये क्या एक नवी खोज लेके आए हैं, ऐसा विश्व में एक ऐसी धरोहर उन्होंने दी है जिसमें आज लोग सोचने के लिए मजबूर हैं, इससे पहले ऐसा संभव नहीं हो सका। जिसने भी संदेश दिया है, चाहे कोई भगवान हुआ, चाहे कोई भी महापुरुष हुआ, उन्होंने एक सीमित दायरे में किया, समय और अपनी समझ के अनुसार, या तो एक कौम के लिए दे दिया या किसी वर्ग के लिए दे दिया, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब जी कैसे, उन्होंने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उन सब के लिए संदेश दिया है। सर, ये संदेश सभी के लिए दिया है, लेकिन कुछ जिन्होंने महान कार्य किए, जिनको विश्व के अंदर पूजना चाहिए, वो एक दायरे में पिरो दिया गया, एक दायरे के अंदर छोड़ दिया गया। जैसे हम गुरु रविदास जी की बात करें, कोई इसको एक ही समाज मानेगा? देखिए, इस गुरु रविदास जी ने तो समस्त समाज के लिए काम किया था, तो सब समाज को हम कैसे समझाएंगे?
मतलब ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी मानसिकता है कि जो भी मतलब के चमकने वाला कोई भी ऐसा कोई काम हो, जो हमारे जो दलित समाज हो, जो गरीब समाज जिसको कहा गया, हम तो दलित नहीं कहते उनको, जिसको दलित बना दिया गया, गरीब बना दिया गया, अछूत बना दिया गया, जो भी उनके लिए काम करेगा उसने किसी न किसी रूप में उसको ये अंधकार में धकेल देते हैं। आप थे धर्म गुरु और जिन्होंने भारत ही नहीं देश विदेश के अंदर गुरु रविदास जी को और बाबा साहब के लिखे संविधान को बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो हमारा जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को तहत उन अधिकारों को अपनाओ, उन अधिकारों से दूर मत भागो। अगर आप उन अधिकारों से दूर भागोगे आपका विनाश की तरफ जाएंगे। अगर उन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को और गुरु रविदास जी की जो वाणी है जो विश्व को माननी चाहिए और जो विश्व मानता है कि गुरु रविदास जी ने जो वाणी बोली थी उसमें आपका कल्याण होगा, आपका उससे उद्धार होगा, आपके घर में सुख संपत्ति का आधार होगा और सभी चीजों का आपका जो जो नशे की चीजें हैं, जो लोग एक जगह बैठ के जुआ खेलते हैं, वो अगड़म झगड़म जो बात है, इन सब चीजों को आपका गुरु रविदास जी की बात मानेंगे तो आपका उद्धार होगा।